तो हेलो गाइस, कैसे हो? तो होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमारे पास है $59, ठीक है? जो प्रीवियस हमारा था $50 के, 52 के अबाउ हमने क्लोज किया था। तो उसके बाद कुछ ट्रेड मैंने लिया, तो अभी हमारे पास $60 अराउंड बैलेंस है। तो एक मीडियम लेवल्स का अकाउंट है हमारे पास, ठीक है? तो आज का मनी मैनेजमेंट कल से थोड़ा ज्यादा रहेगा, रिस्क ज्यादा रहेगा, ठीक है? तो उस हिसाब से फिर जो मीडियम अकाउंट में होगा तो इमोशन भी कंट्रोल करने पड़ेंगे, ठीक है? तो जिनके पास $50-$60 होते हैं वो देख ले कैसे फिर अकाउंट मैनेज करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मार्केट एक साइडवेज जोन था, साइडवेज जोन के बाद मार्केट में आया था ब्रेकआउट, ठीक है? ब्रेकआउट के बाद नीचे एक हैमर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, ऊपर ट्रिपल टॉप पैटर्न बना या ट्राइंगल बोल लो आप, ठीक है? एसेंडिंग या डिसेंडिंग ट्राइंगल बोल लो। उसके बाद और क्या दिख रहा है, एक सेकेंड, 5 मिनट्स पे हेड एंड शोल्डर एंड आफ्टर ब्रेकआउट देखते चलो भाई। अभी 1 मिनट के हिसाब से ट्राई करेंगे, फटाफट $100 गेन करें, ठीक है? क्योंकि मनी अपना अलग है, मार्केट में गैप अप कैंडल है, रेड बनने के चांसेस है। मैं इस गैप के अबव डाउन लेने का कोशिश करूंगा $9, ठीक है? क्योंकि मुझे एक डाउन का ट्रेड दिख ही रहा है। गैप अप कैंडल है, गैप यहाँ था प्रीवियस, जो मार्केट को इसको स्कीप करना चाहिए, नहीं कि यहाँ कोई लेवल है। इस कैंडल में कोई लेवल आपको दिख रहा है? नहीं, ना ही लेवल इस कैंडल के अबव मार्केट ने गैप अप किया है ना? मार्केट ने इस लेवल के अबव भी गैप अप नहीं किया, मार्केट में हैमर बना। शायद ये कैंडल हैमर का रिट्रेसमेंट हो सकती है। इस ग्रीन को अगर इसके अबव क्लोज होता, ठीक है, और यहाँ कहीं पे अगर गैप अप होता ना कैंडल, तो श्योरली ग्रीन बन जाएगा। बट यहाँ पे हमें कोई लेवल नहीं दिख रहा है इसी कैंडल में, बहुत प्रीवियस नहीं जाना है, ठीक है? प्राइस एक्शन के हिसाब से बस आगे का स्विंग पीछे का स्विंग देखो, बस खत्म, है ना? तो यहाँ पे मुझे कोई लेवल नहीं दिखा, इसका रिट्रेसमेंट बाकी है। इस मॉर्निंग स्टार ने इसके अबव क्लोज नहीं दिया इस कैंडल ने, तो ये वीक मॉर्निंग स्टार है, ठीक है? अकॉर्डिंग मी ये वीक मॉर्निंग स्टार है। देखते हैं गाइस, अभी इस कैंडल का रिएक्शन ये देखो, यहाँ से रिजेक्ट, एग्जिट यहाँ से ही रिजेक्शन आया है, ठीक है? जो प्रीवियस, तो ट्रेंड चेंज भी कर सकता है। या तो अभी जब इसका अभी ब्रेकआउट हुआ तो उसका रिट्रेसमेंट अभी आया नहीं है मार्केट में, ठीक है? तो अभी चलते नेक्स्ट चार्ट, बोइंग है जॉनसन, एप्पल ओटीसी का चार्ट है। यहाँ पे मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है? जैसे इसका ब्रेकआउट होगा पुट साइड को, अभी तो लेवल एग्जैक्ट लेवल पे मार्केट है तो ब्रेक भी कर सकते हैं, या तो फिर ग्रीन कैंडल भी बना सकते हैं, ठीक है? तो अभी ब्रेकआउट है, प्योर एक डाउन ट्रेंड में मार्केट, ब्रेकआउट से बचना पड़ेगा। फिर अमाउंट तो मैं से अभी थोड़ा एग्रेसिव ही जा रहा हूँ, ठीक है? एक डाउन साइड का ट्रेड में डाल दिया, ठीक है? क्योंकि अभी इस ये लेवल है मार्केट ने, इस प्रीवियस जो बॉडी टू बॉडी का लेवल था उसको तो कब का इधर का स्किप कर दिया मार्केट ने, ठीक है? अभी मार्केट में ये जो पेंडिंग लेवल है मार्केट में, यहाँ एक गैप अप कैंडल दिखी है, देखो अभी अगर ये देखो, ये गैप अप कैंडल है, ठीक है? तो ये ग्रीन में यहाँ पे बायर्स आए थे, ठीक है? उसके इधर भी अप होता ना यहाँ, तो ये ग्रीन बन जाता फिर, ठीक है? क्योंकि यहाँ से ही देखो, ये जो रेड कैंडल का जो बॉडी है वो वहीं क्लोज हुआ, उसके बाद गैप अप हुआ था, ठीक है? लेवल को ब्रेक नहीं किया उसने, गैप अप हुआ था। ग्रीन कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है, रेड कैंडल का एंडिंग यहाँ होता है। ये बेसिक है, आपको पता होगा मैं क्यों समझा रहा हूँ। हाउ कैसे लॉस हुआ गाइस? ये रेडी तो बना, अपना एंट्री भी गुड था, गैप पे ही था अपना एंट्री। चलो कोई ना, एक गुड अमाउंट का ही सोचना पड़ेगा। अगर मेरे को सब रिकवर करना है तो मैं 35 तक के अमाउंट के साथ जा सकता हूँ, है? अच्छा खासा ट्रेड में फाइंड करूंगा, उसके बाद मैं सोचूंगा अभी क्या करना है। एक विनिंग ट्रेड था, इजी विन ट्रेड था वो। ये
एक आध पॉइंट से लॉस हुआ होगा वो। डाउन का ट्रेड श्योर तो वहां लॉस क्यों हो गया? तो यहाँ भी रिट्रेसमेंट पे आ चुका है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ एक हल्का सा गैप डाउन कैंडल है, तो यहाँ अब जाने का को अब ही जाना है मेरे को। यहाँ गैप तक का लेवल रहेगा मार्केट में, देखते हैं। अगर गैप के अबाउट ट्रेड करेगा तो पुट साइड को चले जाएंगे, ठीक है। इधर एंट्री मिल जाए तो पुट साइड को चले जाएंगे, अगर एग्जिट या एंट्री भी मिलेगा तो अपसाइड के लिए ही जाऊंगा। फिर मैं अपसाइड के लिए जाऊंगा, ये गैप फुलफिल करेगा मार्केट, भले लास्ट में। तो लास्ट में मार्केट इस गैप को फुलफिल करना चाहिए। देखेंगे 15 सेकंड की मूवमेंट, ठीक है। यहाँ बात थोड़ा लेवल्स वगैरह है, मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा, अलग बात है। देखेंगे हाई के अबव चला जा, ठीक है। विन हो गया गाइस, ठीक है। ये नॉर्मल नॉर्मल ही पॉइंट से विन हुआ होगा अपना, नहीं अच्छा खासा पॉइंट से विन है। तो नेक्स्ट भी एक गैप डाउन कैंडल है, ठीक है। और हाँ, अभी ये ग्रेड ग्रीन क्यूब बनेगी, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल क्यूब बनेगी मार्केट में। ये प्रीवियस जो कैंडल है ना, वो एग्जिट लेवल पे ऊपर लेवल पे क्लोजिंग दिया है, उसके बाद गैप अप हुआ है, गैप डाउन सॉरी, उसके बाद गैप डाउन हुआ। तो ऐसी ऐसी कंडीशन में मार्केट ऑलवेज अपसाइड के लेवल को ब्रेक करना होगा ना, तो बायर्स जानबूझ के ये गैप अप करते हैं, ठीक है। गैप डाउन सॉरी, मार्केट जानबूझ के ये गैप डाउन करते हैं, बिकॉज मार्केट फिर इसको एक मोमेंटम के साथ ब्रेक करेगा। तो यहाँ वही दिख रहा है हमें लेवल्स, प्रीवियस जो लेवल्स था, ठीक है, उसके आसपास ही क्लोज, उसके एग्जिट लेवल टू लेवल क्लोज हुआ। अगर ये कैंडल लेवल पे ही ओपन होता ना, तो ये 50-50 ट्रेड होता आपके और डाउन, पर ये गैप डाउन हुई थी, इसकी वजह से ये एक श्योर ट्रेड थी। अभी यहाँ कोई लेवल है नहीं, ये गैप अप हुई है, नहीं यहाँ पे तो कोई लेवल नहीं दिख रहा, बट गैप अप हुई है। अभी तो इसको अवॉइड करेंगे। तो अभी अभी अपने पास $80 है, ठीक है। अभी मैं वापस आ जाऊंगा $10। तो यहाँ एक अप का ट्रेड मिल ही रहा है, तो पहले फाइन पहले प्लेस कर देते हैं। मार्केट में 2 टाइम या 3 टाइम मार्केट में यहाँ रिट्रेसमेंट हुआ है कैंडल्स का, ट्रेंड लाइन का। आफ्टर ब्रेकआउट 2-3 टाइम मार्केट में रिट्रेसमेंट हुआ है। जो प्रीवियस कैंडल थी उसने सेल्स को एंगल्फ किया है, ठीक है। तो ये एक निश्चित ग्रीन ही बनना चाहिए फिर। और अगर अभी दूसरा एक ट्रेंड लाइन लाओ तो देखू, तो भी अभी थोड़ा गैप बचा है, ठीक है। देखते हैं गाइस, अभी एंट्री भी गलत भी थी थोड़ी, बट विन भी हो जाना चाहिए क्योंकि ऊपर अभी गैप बचा है। अभी ये कैंडल एक 50-50 रहती है, एग्जिट लेवल टू लेवल। 93 डॉलर्स हो चुके गाइस। अगेन $10 का ट्रेड। तो गाइस आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ में पॉकेट ऑप्शन, ओनली पॉकेट ऑप्शन ब्रोकर है, ठीक है। वही होगा तभी आप वो सिग्नल फॉलो कर सकते हो, वहाँ डेली हम सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। तभी देखो मार्केट में दो कंडीशन बन रही है, एक अप की और एक डाउन की। बट अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा तो एक अपसाइड का श्योर ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। अगर ये देखो तो एक डिसेंडिंग ट्राइंगल, एसेंडिंग ट्राइंगल है जो आपका ब्रेकआउट देता है। डाउन का देगा तो इसका नाम चेंज हो जाएगा डिसेंडिंग। ठीक है, यहाँ मैं $5 के साथ जाऊंगा, बिकॉज लास्ट टाइम मेरे को यहाँ धोखा मिला था, ठीक है। तो ये एक ग्रीन बन जाएगी, बिकॉज लेवल के अपसाइड क्लोज हुआ है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन है, उसके अबव ही क्लोज हुआ है, और हमारा एंट्री एग्जिट ट्रेंड लाइन से 1-2 पॉइंट अप डाउन होगा। इसने ट्रेंड लाइन को स्किप कर दिया है, इस वजह से मैं श्योर श्योर हूँ कि एक आध गैप अप कैंडल वर्क करेगा यहाँ ग्रीन बनने में। ये क्योंकि लेवल देखो यार, मैंने अच्छा सही से ड्रॉ किया होगा, है ना। बिकॉज मेरे को जहाँ तक दिख रहा है, यहाँ यहाँ पिकआउट, तो यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ से एक रिजेक्शन, ब्रेकआउट तगड़ा नहीं था इधर, एंड
गैप अप, उसके बाद ग्रीन, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम, 60 पॉइंट्स डिफरेंस है। तो मैंने बड़ा ट्रेड लेने के बाद अमाउंट इसीलिए स्मॉल कर दिया, ठीक है, कि अगेन वापस क्यों लॉस ले। चलो $98 है, तो यहाँ आफ्टर ट्रेंड ब्रेक, ट्रेंड इधर ब्रेक भी हो चुका है, एसेंडिंग ट्रायंगल का मूव भी ब्रेक हुआ है, रिट्रेस भी हुआ है दो दो बार। फिर नेक्स्ट कैंडल का बाद अपसाइड का प्लेस ही करेंगे। फिर अभी अमाउंट नॉर्मल ही रखा हूँ, यही स्मॉल अकाउंट में बहुत ही बोर होता है, बट अभी हमने तय किया है कि हम लेके जाएंगे तो जाएंगे ना, और एक दिन अच्छा खासा टेलीग्राम यूट्यूब हो जाता है, तो ये चीज़ हम लाइव मेंबर्स के साथ करेंगे, उनको सिखाएंगे, उसके बाद ही ले जाएंगे यार, ठीक है। ये सब हमने मेंबर्स के साथ भी करेंगे जो टेलीग्राम पे है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक अपसाइड का ही प्लेस करूँगा, बट थोड़ा मार्जिन सेफ्टी में भी इस बार लेके देखता हूँ, बायर्स का एंट्री मिलेगा तो यहाँ से ही बस, ठीक है, बायर्स का एंट्री इधर तक दिखा मेरे को, बस मैं प्लेस कर दिया। ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है, कितने पॉइंट का डिफरेंस, 30 से 39, ठीक है, अच्छा खासा ब्रेकआउट है। तो आफ्टर बिग अमाउंट अच्छे से एनालाइज करा, उसको विन किया, उसके बाद वापस नॉर्मल अमाउंट, तो ये मेरा मनी मैनेजमेंट है। मैं आफ्टर ज्यादा लॉस होता तो फिर मैं थोड़ा एग्रेसिव ही जाना पसंद करता हूँ, ठीक है। वो प्रॉफिट का था, देखो 20 से होता तो अगेन मेरे को वापस 0 से स्टार्ट होता, ठीक है। वो गाइज अपना ट्रेड पिन हो गया, ठीक है। तो अगर वो चीज अगर होती ना, एक सेकेंड आया, तो गाइज मैंने इसीलिए इधर अपसाइड कर लिया, हमें यहाँ पर भी ब्रेकआउट मिला, कोई रिजेक्शन नहीं थी, थर्ड लेवल मार्केट में ये रिजेक्शन का बन सकता है, अभी यहाँ से यहाँ पर ही आ चुका है, ठीक है। जब भी ब्रेकआउट करता है तो ऐसे हाई अपने लेवल्स रहते हैं, और मैं अभी हमारे पास अभी भी हमारे $7 का टारगेट बचा है, ठीक है, $7। अच्छा मतलब $8 के साथ जा सकते हैं फिर अपने, देखो एक, हाँ अभी एक आपको एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार दिखाता हूँ मैं, ये है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार, मेरे को प्लेस कहाँ करना था, एग्जिट इस लेवल पे करता ना मजा आती, देखो ये गैप का लेवल था तो फुलफिल करने आया है, ठीक है। और एक की लेवल भी है ये मॉर्निंग स्टार का, प्रीवियस इसको ब्रेक किया कैंडल्स को, उसके बाद रिजेक्शन, अभी बायर्स का एंटर होना दिख रहा है हमको, जो 3 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है, ठीक है। ये नॉर्मल कैंडल थी, गैप डाउन या गैप अप नहीं थी, देखते हैं अभी अच्छा खासा अपने साइड में ट्रेड है, ठीक है। बट यहाँ 15 सेकंड पे एम भी दिख रहा है, इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर भी दिख रहा है, देखते हैं ओनली 7 सेकंड, चलो मार्केट, चलो विन हो गया गाइस, अपने टारगेट नहीं हुए, ठीक है, 1 सेकंड गाइस, 1 डॉलर का ही ट्रेड बचा है अब। यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड लाइन इमेजिन करो, ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट रिट्रेसमेंट बाकी, ये प्रीवियस एम की नेक लाइन से मार्केट रिजेक्शन ले ही रहा है, ठीक है, प्रीवियस मार्केट की 2 टाइम रिजेक्शन लिया है मार्केट, अगर ये रेड बनती है तो नेक्स्ट हम ग्रीन के लिए जा भी सकते हैं,
अगर इसके अबव क्लोज होगा तो फिर ग्रीन के साइड में जाऊंगा। चार्ट है यूरो जेपी वाई का, कौन सा यूरो जेपी वाई? अरे जी, कुछ गलत हो गया गाइस, ये 50-50 ट्रेड है अपसाइड का। लेवल था, लेवल तो स्कीप ही कर दिया, ठीक है, तो उसकी वजह से अच्छा है, बट इतना बड़ा गैप अब छोड़ो यार। सेकंड, चलिए फिर यहाँ एक ट्रेड विन बन रहा है अपना, ठीक है, लो के ब्रेक होने के बाद देखेंगे गाइस। मार्केट में एक मोमेंटम ऊपर, ट्वीजर टॉप पैटर्न है, ठीक है, ट्वीजर टॉप एंगल्फिंग भी बोल सकते हो, है ना, पर मैं ट्वीजर टॉप बोल रहा हूँ। उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू डाउन आ रहा है मार्केट में। एग्जिट इस लेवल से अगर रिजेक्शन कैंडल मिलती है तो डब्ल्यू का फॉर्मेशन हो सकता है। एक सेकेंड, वापस चलो 5 मिनट्स पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। नहीं नहीं गाइस, ये हेड एंड शोल्डर्स का रिट्रेसमेंट और उसके बाद डाउन मूव है, ठीक है, ओके ओके ओके। काफी तगड़ा रिजेक्शन आया है और लेवल टू लेवल ओपन हुआ है, तब भी मैं डाउन साइड का ही जाना चाहूंगा, थोड़ा अप साइड को एंट्री दे दे मार्केट। छोड़ो गाइस, मैं फटाफट एक ट्रेड प्लेस करता हूँ, फिर मार्केट से एग्जिट ही हो जाता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो लेवल्स के अबव की मार्केट ने एक क्लोजिंग दी है, हेड एंड शोल्डर्स का फॉर्मेशन है, तो मार्केट इधर तक जाएगा या तो उससे पहले ही डाउन साइड को मूव करेगा। देखते हैं गाइस क्या होता है। इस कैंडल का रिएक्शन तो मेन है अपने लिए। हेड एक शोल्डर बना चुका है, एक हेड बना चुका है, अभी एक दूसरा शोल्डर बनाने जा सकता है, या तो फिर यहाँ से एक छोटा शोल्डर बना के डाउन आएगा। नेक लाइन तो यही रहेगा, $1 में भी इतना झंझट। ठीक है, तो डाउन साइड चल नहीं, अप साइड को ही चलते हैं। इस ट्रेड में गैप अप हुए, डाउन ले लेते हैं, थोड़ा अप जान दो इसको, इसके ऊपर एंट्री मिल जाता है तो अच्छा, एक श्योर ट्रेड रहेगा डाउन का। डाउन के लिए ले ही लेता हूँ, $1 का है तो फिर, क्योंकि वहां एक शोल्डर बनना, शोल्डर का वो नेकलाइन है, तो वहां से मार्केट में रिजेक्शन आने के चांसेस है, ठीक है, तो गैप अप कैंडल है तो रेड भी बन सकता है, बिकॉज लेवल स्कीप नहीं किया अभी तक। देखते हैं गाइस, काफी बोर लग रहा है गाइस स्मॉल अकाउंट। तो चलिए गाइस, अभी ट्रेंड कंटिन्यू ही दिख रहा है मुझे, कोई हेड एंड शोल्डर्स का परफेक्ट फॉर्मेशन नहीं है, तो अभी ट्रेंड के साथ ही चलेंगे, फिर $3 के साथ ही जाएंगे फिर, क्योंकि $2 में मेरा लॉस रिकवर होगा, मेरा प्रॉफिट नहीं आएगा। रुको यार, तो यहाँ एक अपसाइड का ट्रेड है, ट्रेड एक मोमेंटम के साथ इसको ब्रेक किया, ठीक है, और आफ्टर एक अच्छा खासा नॉन रिजेक्शन कैंडल है ये। दूसरा टॉप पे कैंडल है, बाइंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है हर कैंडल्स में, ठीक है, अभी तक कोई रिजेक्शन तो दिखे नहीं थे प्रीवियस कैंडल में। इस लेवल को ब्रेक किया, लेवल के बिलो भी मिल ले लेते ट्रेड तो अच्छा रहता, बट अभी कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी में लॉस कर रहा हूँ मैं। देखते हैं गाइस, रिट्रेसमेंट हो सकता है, बिकॉज लेवल्स को अभी फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, देखते हैं क्या होता है। 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, -1, देखते हैं। डाउन आना, ठीक है, डाउन आ गया, ठीक है, शुरू को ठीक है, मेरे को अगेन $1 का ही ट्रेड लेना पड़ेगा और टारगेट अचीव। देख सकते हो गाइस, सेम चीज यहाँ हेड एंड शोल्डर्स बन भी रहा है, तो यहाँ से मैं 2 मिनट का अगर मेरे को मिलेगा तो मैं डाउन ही ले लूंगा इस गैप के अबव, चलती कैंडल में। ठीक है गाइस, बस वेट करेंगे 2 मिनट का।
इसके बाद अपना टारगेट भी मिल जाएगा अपने को, तो नहीं मिलेगा तो फिर क्लोज करेंगे बिकॉज लॉस हो रहा है। ओके गाइस, अभी अपना काफी लॉस हो रहा है, ठीक है देखते हैं अगेन। ये भी मार्केट कुछ अलग ही चल रहा है, अभी एक लास्ट चांस है, उसके बाद तो फिर मैं निकल ही जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि नहीं हो रहा, मेरा मोमेंट नहीं चल पा रहा। अपने कुछ चाहिए दिन में एक अच्छा अमाउंट ही लेना पड़ेगा फॉर टारगेट। देखते नेक्स्ट कैंडल, इसमें अगर इसके बिलो इसके अबव ही क्लोजिंग होता है इस ये कैंडल, तो नेक्स्ट हम डाउन के लिए जा भी सकते हैं। 100 एग्जिट नियर बाय सपोर्ट आ जाएगा तो बाउंस बैक कर जाएगा कैंडल, ठीक है, तो रेडी हूँ मैं। पहले रिजेक्शन आया बट मैं डाउन ही जाना चाहूंगा, ठीक भाई। सेकंड डे काफी खराब जा रहा है यार, स्मॉल अकाउंट का यार आदत नहीं है ना। फाइनली गाइस, ट्रेड विन हो चुका है अपना और टारगेट से $10 ज्यादा भी मिल चुका है, जो काफी टाइम बैठने का एक रिवॉर्ड है, जो बड़ा अमाउंट ऑफ ऑलवेज मैं लूज करने का कोशिश नहीं करता। स्मॉल में आज पता नहीं क्या हो रहा, मॉर्निंग टाइम इसीलिए दिक्कत हो रहा है क्या, ठीक है, तो अभी ट्राई करेंगे सीधा नेक्स्ट जो इवनिंग सेशन रहेगा ग्रुप्स के तो वहाँ मिलते हैं। तो अभी तो हम वैसे भी हमारा टारगेट हो चुका है, बस होप है 200 अबव एक बार निकल जाए, आपको बहुत जल्दी गेनिंग देखने को मिलेगी अकाउंट में। इस ये मनी मैनेजमेंट था थोड़ा रिस्की, आपको इससे हाफ वाला लेना है, ठीक है, जब भी प्रॉफिट रिस्क होता है, ठीक है, मेरा बैक टू बैक एक साथ दो लॉस नहीं हुआ है ना, हुआ भी होगा मेरा ध्यान नहीं है, बट बैक टू बैक मेरे हिसाब से दो लॉस नहीं हुआ है। वैसे टाइम पे मैं ज्यादातर स्मॉल अकाउंट वालों को यही सजेस्ट करता हूँ, एग्जिट बनता है मार्केट से, ठीक है, तो उस टाइम पे मार्केट से एग्जिट बनते हैं फिर। तो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, डे टू काफी स्ट्रगल वाला रहा, एक प्रॉफिट एक लॉस, एक प्रॉफिट एक लॉस, बट एट द एंड टारगेट पे आ गए हम, क्योंकि $20 तो हमारा कैपिटल था, कैपिटल का कोई रिस्क नहीं लिया है, प्रॉफिट का ही है जो रिस्क लिया है, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, आपको ऐसे लर्निंग कंटेंट और मिलते रहेंगे आगे। ये डे 1 वाला सीरीज तो हमारा चलता रहेगा, भले 25 दिन तक तो चलना चाहिए, ठीक, तो अगर आपको इस सीरीज अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दें वीडियो को, और ऐसा सीरीज हम मेंबर्स के साथ करेंगे टेलीग्राम पे, अगर हो जाता है अच्छे खासे मेंबर्स, यूट्यूब पे भी अच्छे खासे सब्स हो जाएंगे, आफ्टर 1K ही सोचूंगा, 1K के बाद आपका 1K भी करा देंगे फिर, ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है, अगर 1K सब्स हो जाएंगे तो उसके बाद हम मेंबर्स के साथ भी यही सीरीज करेंगे अगेन, ठीक है, अगेन करेंगे, और इस बार हमारा चैलेंज बहुत लो रहेगा, ठीक है, हम $10 से गेन करने का कोशिश करेंगे, जो मैं आज तक नहीं किया हूँ, मैं हर बार 30-50 से ही किया हूँ, ये $20 वाला भी फर्स्ट है, लास्ट टाइम मैं $50 से 1000 गया था, ठीक है, उस टाइम पे मैं बिगनर ट्रेडर था, लेवल्स के दम पे गया था मैं, तो इस बार मैं थोड़ा प्राइस एक्शन के दम पे जा रहा हूँ, और जब अगर हो जाएगा अपने यूट्यूब पे अच्छे सब्स तो
तो उसके बाद आपका भी 1K भी पक्का है मेरी तरफ से। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।